अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बीच के आप सब लोगों की दुआ से तो अभी हो गई है सुबह और आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। तो अभी जा रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ने के लिए, रात मतलब रात के 5:30 बज रहे हैं, अभी अंधेरा है बाहर, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं खिड़की में से। अभी मैं किचन वाले रूम में हूँ, ठीक है, चलिए नमाज़ पढ़ के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका है और मेरी नमाज़ हो चुकी है, इसकी नमाज़ हो रही है अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जान ही जान, ये मेरी बहन भी है और मेरी भाभी भी है। देखो मैं इसको कुछ बोलती भी हूँ तो आप लोग ऐसा माइंड मत करते जाओ, क्योंकि हम लोग ना बचपन से एक मिनट क्या पैसे हम लोग है ना बचपन से साथ में रहने वाले, बचपन से है ना भाई, बचपन से साथ में खेले खेले कूदे बड़े हुए, क्योंकि मेरी खाला की बेटी है, सगे खाला की, और ये मुझे नाम से पुकारती है, मैं इसको नाम से पुकारती हूँ, और हम दोनों मतलब कैसा मैं हाँ थोड़ी इसको चिड़चिड़ करती हूँ, ये भी मुझे कभी यूँ यूँ करती तो ऐसे ऐसे करके, और तो हमारे ना चलते रहता है, हमारा बॉन्ड ही ऐसा है माशाल्लाह अल्लाह, बस इस तरह के बॉन्ड हर किसी के ननंद भाभी में बहनों में बनाए रखे और किसी की बुरी नज़र ना लगे। थु 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 थु। तो अभी हम लोग दोनों साथ में नमाज़ पढ़े, क्योंकि इसने मेरे को बोली थी कि तू उठे उठते तो मेरे को भी उठाया कर, और ऐसा हुआ कल मैं सो गई तो इसने मुझे उठाई नहीं, ये उठी थी, और इसलिए मैं बोली चलो आज मैं उठी हूँ तो इसको उठा देती हूँ। तो फिर क्या अभी क्या करने फिर अभी चाय वाय पीने का या चाय, तो चलो अभी हम चाय वाय पीते फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा देर। मेरे भैया मैं आटा गूंद रही, मैं डार्लिंग आटा गूंद रही, आज भाई तेरे को नज़र लगने वाली मेरी सही बुढ़ बेटे माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी दिख रही, मतलब तेरे को ऐसे कपड़े खुलते ऐसे तेरे ले लेना 2-3 ड्रेस और, क्यों बहुत सारे पहनने का ना, फिर यही पहनने का अच्छे भी दिखते थे रैंक पे। तो एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे देखो ये लड़की आटा गूंद रही है टिफ़िन के लिए, क्योंकि शहबाज का टिफ़िन जो है बनाना पड़ता ना, शहबाज काम पे जाता था है ना, और इसका हस्बैंड आप पूछ रहे थे कहाँ है, दिख रहा दूसरे गाँव को काम करने के लिए गया, और एक और भाई है वो भी गया काम करने के लिए, वो भी देखो कल या आज शायद आएगा, तो मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो में ही आप लोगों को नज़र आएगा शायद से, क्योंकि वो आज आने वाला है शायद है ना भाई। गाइस क्या बोलते हैं, अभी मैं कर रही हूँ थोड़ी सी हेल्प किचन में, आग में टॉर्च चमक रही, मेरी बहन ने बनाई चावल और भाई जो है बना रही रोटी, मेरी डार्लिंग रोटी बना रही, पता उसको जैसे रोटी कैसे बना। तो अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे अंडे उबल रहे और मेरे अंडे के साथ साथ परी के लिए जो है आलू भी उबल रहे थे, तो देखेंगे हम आलू भरे कि नहीं। अरे आराम से आराम से देख, दो करे तो उबल गया, देख भाई वो क्या होता, एक से ना अंदर से बीच में कच्चा रह जाता, कच्चा इसका कलर कल कच्चा ही रह गया था, दिख रहा क्या आयशा। तो ये अंडे और इधर इधर ये अंडे और आलू जो है बॉईल हो गए, ऐसे लेते रहने का करते करते एक 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 कोई चीज़ दिखी तो उधर रखती मैं भाई, हट के ना मेरे को हट बोली, यहाँ पर रख देती। और ये है चने की दाल, मैं बना रही हूँ चने की दाल तुरई, तो उसके लिए मैं चने की दाल को उबालने के लिए रख लूँगी, थोड़ा सा पानी चाहिए था मुझे, हम उसमें पानी लेकर थोड़ा सा थोड़ा ऋषा भाई पानी लाने के लिए। आज मैं बनाऊँगी मेरे भाई के लिए सालाना, थोड़ी हल्दी है क्या, हल्दी है ना, ला हल्दी गर्म कर, ये है दम पानी चावल, चावल आ गए दम पे, चावल को रख देंगे दम पे, तो इसमें मैंने थोड़ा डाल दी नमक और थोड़ी सी हल्दी, ठीक है चने की दाल में, और रोटी भी बन रही हमारी वहाँ पे, भाई बना रही हमारी डार्लिंग रोटी बना रही भाई डार्लिंग चलो इसको उबलने देते बाद में बताऊंगी कैसे बनाते वैसे थे। माशाल्लाह हमारे घर में सब रोटी ऐसी बनाते हैं अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सभी बनाते अच्छी, लेकिन आप लोग हमेशा पूछते रहते ना कि कैसे बना रहे रोटी, तो ये हमारा जो घर का जो है ना बेसिक तरीका है रोटी बनाने का, ऐसे ही हमेशा मतलब इसी तरीके से रोटी बनती है,
यहाँ पर दो रोटी इसने बना दी। अलीशा एक वो लेके आप प्लेट लेके आए इसको ढकने के लिए। तो ये देखिए गाइस इसको जो है उबाल आ रहा है, तो अब हम इसको रख देंगे थोड़ा सा ढक के। गैस को स्लो कर रही हूँ, देखिए गैस को। चलो हमारी चने की दाल जो है वो गल चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर पकड़ पाएंगे भाई। कैमरा टेढ़ा नहीं करने का, मोबाइल टेढ़ा नहीं करने का। तो मैंने क्या बोलते कढ़ाई को रख दी गैस पे गर्म होने के लिए, इसमें पानी सूख जाएगा अभी थोड़ा सा। कभी भी बर्तन को खंगालने का, क्योंकि क्या होता है कॉकरोच आते हैं कुछ भी, मच्छर विच्छर ये वो चिपकली कुछ घूमते रहती। सबसे पहले हम तेल डाल देंगे कढ़ाई में। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। बस थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी डालेंगे। दिख रहा है आदिशा, एक चम्मच लेके आ जाना बस। चलो डाल देंगे ये कांदा कटा हुआ। गैस फास्ट है मेरे पास, ज़्यादा फास्ट है, आराम से बना सकते हो। बाटला यहाँ पे बनी बड़ी थे खाने में, नहीं जल रहा था। जीरा किरा है और अम्मी ने जो दिन गर्म मसाला निकाल के ना पीछे वाला छोटे कर लेना, गर्म मसाला पीछे कर लेना। भाई देखो पराठे कर दो, बताओ चाय के साथ खाने के लिए पराठे कर दो है ना भाई। तो यहाँ पर जो है तेल में जो है हमारा ये कांदा फ्राई हो रहा है बस बस बस। तो अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, के साथ साथ ये जो तुरई है मैं अलग कट करती हूँ, लेकिन इसने अलग कट करी। तो चलो ये मेरे आलिया को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ऐसे बनाती हूँ ना बहुत शौक से खाती हूँ। क्या मैं रखने करती हूँ एक प्लेट भाग रहा हूँ। तो सबसे कुछ मिक्स करेंगे तेल में, ताकि तेल के अंदर पूरा अच्छे से तेल में फ्राई हो जाए। ताकि तुरे के अंदर अच्छे से नमक घुस जाए। देखने के लिए कुछ नहीं प्लेट हो गया, इसको थोड़ा सा ढक के उसको पक लेंगे हम लो मीडियम फ्लेम। इसमें से भाप जा रही बाहर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पराठे तल रहे मैडम, गला क्या नहीं गला है ज़्यादा, मतलब तेल में बहुत जल्दी गल जाती है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको गलने के लिए। मेरे को लग रहा है कि तेल थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मैं थोड़ा सा तेल निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना मेरे को बना के खाना, इसलिए तेल शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। पकड़ा ना, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मेरे चला के। अब इसमें डाल रही हूँ मैं मसाले की मिर्ची, तेल भी लगता ना शुगर ज़्यादा, चने की दाल भी है मैं मसाले की मिर्ची और चाय की पत्ती डाल देती हूँ, हल्दी डालने का डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा कूटा हुआ गर्म मसाला, कूटा हुआ मतलब पीसा हुआ गर्म मसाला है, ठीक है। वहाँ पर पीस के रखना पड़ेगा हमें अच्छी तरह से, मिक्स कर लीजिए दूध गर्म होगा। वो दूसरी वाली मिर्ची कहाँ पीली भुक्की, और ये थोड़ी सी पीली मसाले की भुक्की है, ये थोड़ा कलर के लिए डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें कलर नहीं आ रहा हूँ मसाले में, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे,
जिसमें इसको भी थोड़ा मसाले को पकाएंगे, वरना कच्चा मसाला जब रहता है ना तो कच्चे मसाले की बू आती है, तो टेस्टी नहीं लगता खाने में। अब इसमें हम डालेंगे कट किए हुए टमाटर और थोड़ी कोत में डालेंगे, थोड़ी सी ऊपर से डाल देंगे रखेंगे। अच्छा कर रहे हो, ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो भी थोड़ा देर ढक के रख लेंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए, टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक गलने देंगे। तो देखते हैं टमाटर हमारे कितने गले हैं। बस को तो गैस देखें हमारे जो क्या बोलते हैं, ये जो है हमारा टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे इसमें, आगे थोड़ा गोल डाल लेंगे इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, चने की दाल तो इसमें थोड़ा सा गोश्त भी डालेंगे हम शेवास के लिए, थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा। ये मैं इसे बैटरी पकड़ के खड़ी हूँ, चम्मच नहीं है, नरेंद्र नरेंद्र चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ज़्यादा नहीं डाल रही, सिर्फ शेवास के पुरते ही डाल। गोश्त भी डाल दिया हम लोग इसमें। अब मैं इसमें चेक कर लूँगी नमक, नमक चेक कर लूँगी नमक सही है कि नहीं, जैसे मुझे लगेगा कि नमक सही है एकदम बराबर है तो फिर हम इसको रख देंगे थोड़ा सा ढक के ताकि ये पक जाए अंदर से और हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगी। बता तुझे नहीं जम रहा ना, चाहे बस को नमक कैसा लगता है, बराबर नहीं चमका रही। तो अब इसको रख देंगे गाइस ढक के हम लोग, ठीक है। तो कौन सी प्लेट ढाप रही है, एक साथ में इतने सारे जन वो खड़े रहे वहाँ पे टॉर्च चमका के, तो गड़बड़ गड़बड़ बहुत हो रही। और सुबह के अभी 8 ही बज रहे हैं, देखो 8 बज रहे हैं। थोड़ा उधर गैलरी में उधर देखती क्या है क्या नहीं, इधर से ये टेरेस है, उधर से वो साइड से उधर का दूसरों का टेरेस है और इधर से दरवाज़ा बंद है अभी अंदर से। अम्मी सोने वाले हैं अभी, सुबह सुबह उठने की बात ही कुछ अलग रही थी। सुबह सुबह का जो नज़ारा है नेचर, सुबह सुबह इंजॉयमेंट जो होता है ना वो बाद में वो सब नहीं लगता है, सुबह में उठने की बात ही कुछ अलग रहती है, अच्छा लगता है सुबह सुबह। चलो अब ये लोग चाय वाय पियेंगे, पी पी आराम से। हाँ कहाँ तक हमारा सामान पका, ज़्यादा भी नहीं पकाना है इसको, सिर्फ मसाला बस मिल जाए एक दूसरे में। अलीशा मतलब थोड़ा भी पतला रहे तो चल जाएगा ना चावल पे, हो जाएगा वो। तो गाइस हमारा ये सामान जो है बन चुका है माशाल्लाह, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देती हूँ। चलो आज का जो ये वीडियो है ये इसको यहीं पे एंड करते हैं। मैंने बोली तेरा मर्द को अब देख, मैंने बनाई तो सही पर अच्छा लगता क्या नहीं लगता, तो बोलती पहले तुम्हारा भाई है बाद में मेरा मर्द, मैं बोली पहले मेरा भाई था अब तेरा मर्द है, तो बोलती पहले तुम है बाद में मैं हूँ। आ ना भाई। तो चलो गाइज आज का जो व्लॉग है इसको यहीं पे एंड करते हैं। कैसे लगा आप लोगों को हमारी ननन भाभी और बहनों की जोड़ी, पहले देखो ये मेरी बहनें हैं तीनों भी, बाद में मेरी ननन, मैं उनकी ननन हूँ, ये मेरी भाभी है, ठीक है। हमारे दो तीन रिश्ते हैं
तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते हैं, क्योंकि क्या लेके जाना है 4 दिन की ज़िंदगी में, हंसते खेलते रहना है, मुस्कुराना है, किसी को तकलीफ दे के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि आई हूँ इधर तो अपने भाभी लोगों को तकलीफ देती हूँ कुछ, या सताती हूँ या चिढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बात यह है कि लोग कैमरे के सामने ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, ऐसा है, सही बोली गलत बोली, तो कैमरे के सामने बोलते नहीं है। तो बस ये जो छोटा सा रूटीन, ये सुबह का था, अब जो इवनिंग जो दोपहर से जो रूटीन रहेगा वो मैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में दूंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। दोपहर से जो रूटीन होगा वो दूसरे ब्लॉग में मिलेगा आप लोगों को शाम को। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस।